जय सूर्य, बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में, और आपका बहुत स्वागत है। आजकल हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत में अभी तक आपने देखा कि कुछ तरह तरह के सवालों को लेकर के हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। जब इन सब पर चर्चा समाप्त हो जाएगी तब मैं लूँगा PPT पर ढेर सारे क्वेश्चन और उसको सॉल्व किया जाएगा। अभी आप एक एक करके सभी चीज़ों को समझते चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला तरीका कि आप देखे होंगे ऐसा एक प्रश्न बनता है कि एक व्यक्ति के पास कोई इनकम है और वो उसको अलग अलग भागों में खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च करेगा, स्वास्थ्य पर खर्च करेगा, यहाँ खर्च करेगा, वहाँ खर्च करेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसमें कुछ पैसा बच जाएगा उसके पास। और यही पूछा जाता है कि अगर इतना पैसा बचा है तो उसके पास पहले कितना था या उसकी इनकम क्या थी। एक तरीका ये, और उसमें एक सवाल ऐसा बनता है जो शेष पर आधारित होता है। तो अब ये दोनों प्रकार के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर कामा 20% वस्त्र पर तथा जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ए रुपए बचे हैं तो उसकी आय क्या है, उसकी आय बताओ। ये सवाल बात क्लियर हो रही है। सोचो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1% भोजन पर, 20% बस पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ₹1 बचे हैं तो उसकी आय क्या है। तो देखो, उसकी आय पर आधारित प्रश्न ये है, आय बराबर हो जाएगा A × 100 − x + y + z। यह एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से वह उस प्रश्न को आराम से हल कर पाए। इस पर एक सवाल करके देख भी लें और उसके बाद यह भी बता देंगे कि मान लो अगर यह सूत्र आपको नहीं याद है तब यह सवाल कितने आसानी से किया जा सकता है। चलो एक प्रश्न हो जाए, मान लो वह आदमी भोजन पर 30% खर्चा किया, वस्त्र पर 10% खर्चा किया और परिवहन पर 15% खर्चा किया। मान लो यदि अब उसके पास मान लो ₹9,000 बचे, सवाल देखो लिख दिया हमने, एक आदमी है उसने भोजन पर 30% खर्चा किया, वस्त्र पर 10% खर्चा किया और परिवहन पर 15% खर्चा किया, अब उसके पास ₹9,000 बचे हैं। अब बताओ उसके पास पहले कितना धन था। यह पता करने के लिए अपने पास सूत्र है, पहले हम सूत्र रखकर दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो तब इसे कितने आसानी से किया जा सकता है। देखो, तो पहले हम फार्मूले पर रख रहे हैं, इस बात को कलर चेंज कर देता हूँ। ए की जगह पे 9,000 लिखेंगे, गुणा 100 − x + y + z। x + y + z माइनस तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 30, 40, 50, 55। बताओ 100 में से आप 55 घटा दोगे, यहाँ x + y + z की वैल्यू 55 आ गई, तो 100 में से 55 घटाओगे तो 45 आएगा, यहाँ लिख दोगे 45। अब 45 दूना 90 होता है, अब 200 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20,000। उस आदमी की आय क्या रही होगी, 20,000 रही होगी। ये तो हो गया, हमें सूत्र याद है तब। अब अगर सूत्र नहीं याद है तब देखो कितना आसान है कि जब हम जान गए कि उसने अपना 55% खर्चा कर ही दिया होगा तो उसके पास क्या बचा होगा, 45%। 100% तो टोटल होता है और 100% में से वो अपना 55% खर्चा कर चुका है, अब उसके पास बचा होगा केवल 45% और ये कह रहे हैं 9,000 बचा। यानी कि किसी धन का, कोई धन मान लो ए है, मान लो कोई धन है जेड, एम मान लेते हो मनी,
किसी धन का वो 45% खाली उसके पास बचा, यानी हमारे हिसाब से उसके पास यही बचा हुआ, और वो कह रहा है कि हमारे पास 9000 बचे हैं, क्या इसे काटा जा सकता है? 45 दूना 90 और 200 यहाँ 100 उधर जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20000 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? इसके लिए आपको अलग से फार्मूला याद करने की क्या जरूरत पड़ गई? सही बात है। तो मैं इसीलिए कहूँगा अगर आपको यह सूत्र याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत आसानी से सवाल को लगा सकते हैं आप। तो ये सवाल होगा। अब इसी का एक बड़ा भाई और भी होता है जिसमें शेष पर आधारित बात किया जाता है ना, शेष का इतना परसेंट यहाँ खर्चा किया, शेष का इतना परसेंट, तब उसको कैसे हल करते और देखा जाए शेष पर आधारित कैसे प्रश्न बनेंगे। देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, एक व्यक्ति अपनी आय का एक्स परसेंट भोजन पर, शेष का वाई परसेंट वस्त्र पर तथा शेष का जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ए रुपए बचे हैं तो पहले कितना थे, यानी उसकी आय क्या थी? ये सवाल फिर से ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अपनी आय का एक परसेंट भोजन पर, शेष का वाई परसेंट वस्त्र पर तथा शेष का जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ए रुपए बचे हैं तो पहले कितना थे? इसके लिए जो सूत्र बनाया गया आय, देखो उसका फार्मूला होगा ए गुणा सौ गुणा सौ गुणा सौ, जितनी बार वो खर्च करेगा उतनी बार सौ, और नीचे क्या होगा? 100 माइनस x 100 माइनस y और 100 माइनस z, ये है इसका फार्मूला। उससे ये पता चल जाएगा उसके पास कितने रुपए बचे, ठीक है, या पहले उसकी आय क्या थी, ये मिल जाएगा। तो ये पूरा सवाल हुआ, ये उसके लिए फार्मूला हुआ। अब एक सवाल लेता हूँ और उसको हल करके देखता हूँ, और फिर फार्मूले देखेंगे और फिर बिना फार्मूले देखेंगे, यह देखेंगे कि अगर ये फार्मूला नहीं याद रहे तब कितना अच्छा होता। आओ शुरू करते हैं। एक प्रश्न लेता हूँ, वह आदमी है, भोजन पर उसने 20% खर्चा किया, शेष का 10% यहाँ लिख देता हूँ, भोजन पर शेष का 10% उसने वस्त्र पर खर्चा किया, उसके बाद शेष का 25% उसने परिवहन पर व्यय किया, इतना उसका बच चुका, मतलब खर्चा कर चुका। अब बताना है यदि उसके पास, अब उसके पास बचा कितना है मैं बताता हूं, 4320। यदि अब उसके पास 4350 रुपए बचे हैं तो उसकी आय क्या थी? अब यह लगाने के लिए हम, देखो प्रश्न यही है, इसी प्रश्न को हम लोग अब कई प्रकार से लगाने का प्रयास करेंगे। ये तो पहला प्रकार देखता हूं जो यहां लिखा, तो हमारे पास बचा कितना है 4320, मैं इस फार्मूले में रखता हूं, 4320 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 अपान 100 माइनस x, बताओ 100 में से x माने भोजन घटाओ, 100 में से 20 घटाओगे 80, ऐसे 100 में से 10 घटाओगे 90 और 100 में से 25 घटाओगे तो 75, यही काट दो आपका उत्तर बन जाए। और देखते हैं, दो जीरो से हम एक जीरो इसका एक जीरो इसका काट सकते हैं। अब ये 9 से कट रहा है, देखो 9 9 चौक 36 और 9 8 72 और 8 से कट रहा, 8 6 48। अब देखो 25 चौक के 100, 25 3 75 और 3 2 6 कट रहा, 3 2 6। अब मैं देख रहा हूँ 2 चौके 8, 1 0 और 2 0, यानी उसके पास पहले 8000 रुपया था। ये आपका उत्तर आ गया। ये तब आया जब हमने इस सूत्र में उसको रख दिया। फिर से ध्यान से देख लो, उस व्यक्ति ने 20% भोजन पर खर्चा किया था, 10 शेष का 10% वस्त्र पर खर्चा किया था और शेष का 25% परिवहन पर खर्च किया था,
अब उसके पास 4,300 रुपये बचे थे, तो बताओ उसकी आय क्या थी। यह पता करने के लिए इस फार्मूले में हमने वैल्यू रखा और कट करके 8,000 हमारा उत्तर बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसे ना लगाकर मैं ऐसे सोचूं, जरा सोचो, मान लो उसके पास उसकी आय आय थी। अब देखो एक लाइन में कैसे लगा रहा हूँ, चीज वही रहेगी। 20% वो भोजन पर खर्चा कर दिया। अच्छा बताओ 20% भोजन खर्चा कर दिया, उसके पास क्या बचा होगा? 80%। और 80% को आप भिन्न बना सकते हैं। कैसे? 4/5 कर पाओगे? देखो फिर क्या हुआ, उसका 10% उसने परिवहन पर खर्चा कर दिया, बस खर्चा किया। अच्छा 10% अगर कहीं आप खर्चा करोगे तो आपका 90% बचेगा, और 90% को आप क्या लिख सकते हो? 9/10। फिर उसने क्या किया, 25% कहीं और खर्चा किया, परिवहन में खर्चा किया, 25% खर्चा किया, तो फिर आप क्या बचा होगा? 75%। और 75% को आप क्या लिख पाओगे? 3/4। हमारे हिसाब से उसके पास यही बचा, और वो कह रहा है कि उसके पास 4,320 बचे। आओ काटा जाए, तो हम काटेंगे 9 से पहले काटता हूँ, तो 9 से काटेंगे तो 9 × 4=36 और 9×8=72 480 होगा। अब ये ऊपर क्या बचा, ये देखो ये 4 कट जाएगा, और 3 से उसको काटो, तो 3 से आप काट देंगे इसको, क्या बनेगा? 160 16×3=48। और यहाँ क्या बचा? 50। 50 वहाँ जाएगा, गुणा करेगा। बताओ आय बराबर क्या हो गई? आय बराबर होगा 160 × 50, 16×5=80। उसकी आय टोटल क्या आ गई? 8,000। यहाँ पर आपको कोई सूत्र नहीं याद करना पड़ा। देखो उसकी आय जो भी थी उसका 20% उसने कहीं खर्चा किया, यानी 80% बचा होगा। 80% को मैंने 4/5 लिखा, फिर उसने 10% कहीं और खर्चा किया, यानी उसके पास 90% बचा होगा, मैंने लिखा 9/10। और उसने 25% कहीं खर्चा किया, उसके पास बचा होगा 75%, और मैंने लिखा 3/4, और बस काट दिया। अब इन दोनों के अलावा एक और रास्ता हो सकता है, अगर आप नेचुरल थिंकिंग करें तो। आओ देखें, इतना दूर दराज जगह बना देते हैं, जगह बना लें तो नेचुरल थिंकिंग दिखा दें आपको। अगर इस सवाल को आप नेचुरल थिंकिंग से सोचें तब कैसे हो सकता है? नेचुरल थिंकिंग क्या होती है? देख मान लो उसके पास शुरू शुरू में 100x रहा होगा। अब उसने क्या किया, उसका 20% भोजन खर्चा कर दिया, 100 का 20% क्या होगा? नेचुरल थिंकिंग जानना क्यों जरूरी है? अभी तो मैंने ये बताया उसका कितना होगा। अगर मान लो इसी ने पूछ लिया जाए तो फिर बस पर कितना खर्चा किया, तो फिर परिवहन पर कितना खर्चा किया, तो अलग अलग निकालने के लिए फिर मुझे एक बड़ा हिस्से लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इसको नेचुरल थिंकिंग से समझ जाएं तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो मैं सोच रहा हूँ, मान लो टोटल वैल्यू 100x रही होगी, उसमें से 20% उसने भोजन कर लिया होगा, तो यानी 20x का भोजन कर लिया होगा। आप अगर 20x का भोजन कर ही लिया 100x में से, तो उसके पास क्या बचा होगा? 80x बचा। अब इस 80x का 10% उसने कपड़ा खरीदा होगा। क्या आप जानते हैं 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% 8x होता है। 8x का उसने वस्त्र खरीद लिया होगा। अब अगर 80 में से 8x निकल गया होगा तो उसके पास बचा होगा 72x। बोलो 72x का 25%, 25% मैंने 1/4, 1/4 72 का 1/4 कितना होता? 18। उसने 18x का परिवहन कर लिया होगा, इतना कर लिया होगा। अब बताओ अगर हम 72 में से 18 घटाएं तो हमारे हिसाब से उसके पास 54x रुपया बचा होना चाहिए। और वो कह रहा है उसके पास क्या बचा है? 4,320। चलो हल करते, x बराबर क्या हो जाएगा? 4,320/54। आप इसको 9 से काटिए, 9×6=54, और 9 से आप इसको काटेंगे कितना आया था? 9×6=36 480, और 6×8=48 80 आ गई। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 80। अगर x की वैल्यू 80 आई है और यहाँ रख दिया जाए 100x यहाँ पे, तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी कितना? 8,000 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यह 80 की वैल्यू अगर हम यहाँ भोजन की जगह लिख दें, 8×2=1600 रुपये का भोजन किया, 80 की वैल्यू यहाँ रख दें 8,64,640 को अपने वस्त्र खरीदा, और 80 यहाँ रख दें 18,144 यानी 1440 को अपने परिवहन कर लिया। तो मेरे ख्याल से इस सवाल को आपने 3 प्रकार से देखा होगा। आपके पास एक सूत्र है, अगर मान लो बाकी तरीके आपको कम समझ में आते हैं तो सूत्र ध्यान में रखिए, और अगर आपको बाकी तरीके समझ में आते हैं तो सूत्र रखिए, लेकिन उसको ध्यान मत दीजिए। अपने सवाल को आप बहुत आसानी से जल्दी समय में कर पाएंगे। सही चल रहा? कोई और समस्या? देखो इस तरह के सभी सवाल को बहुत आराम से ऐसे आप हल कर सकते हैं। अगले टाइप में चलें, आओ देखा जाए। चलो चुनाव पे सवाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन में क्या करते हैं।
चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आपको बताऊं, मैं कुल चार पांच सवाल चुनाव पर आधारित बताने वाला हूं। अगर वो पूरे आपने ध्यान से सुन लिए तो जो भी पुस्तकें आप पढ़ रहे होंगे उन सब में से सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आइए शुरू करते हैं। पहले एकदम जीरो लेवल का सवाल लिखता हूं, जीरो लेवल का प्रश्न, आइए देखते हैं कैसा होता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला 54% मत पाया, 54% मत पाया तथा 2400 मतों से जीत गया, 2400 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या पूछा गया। सवाल ध्यान से सुन लीजिए, जीरो लेवल का सवाल है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला 54% मत पाया और 2400 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या बताइए। अब मान लीजिए कुल मतों की संख्या क्या रही होगी, हमें नहीं पता क्या रही होगी, 100x मान लेता हूं, कुल मत 100x रहा होगा, मान ले कुल मत रहा होगा 100x। अब जीतने वाला कितना पाया है, 54% पाया, इसका मतलब 100x का 54% क्या होता है, 54x पा गया होगा। अब आप बताओ 100x टोटल था जिसमें से एक आदमी 54x पा गया, अब दूसरे को क्या मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 46x, बोलो 100 में से 54 घटाओ 46 में मिला होगा। अब इन्हीं दोनों के मतों से हार जीत हुआ होगा, तो अगर इनका हम अंतर करें तो फिर ये 2400 के बराबर होना चाहिए, बस हो गया। अब 54x में से 46 घटाओगे आएगा 8x बराबर 2400, तो बताओ x बराबर क्या आया, 300। अगर x बराबर 300 आया तो बताइए 100x की वैल्यू क्या आ गई, हमसे पूछा गया कुल मतों की संख्या बताइए, हम x की वैल्यू 300 रख देते हैं तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 30,000, ये रहा हमारा उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं इसको जीरो लेवल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह एक आदर्श चुनाव है, 100% वोटिंग कहीं नहीं होती है। अब जब नहीं होती है और मेरा सवाल तो 100% पर लग रहा, इसीलिए मैं कह रहा था जीरो लेवल का सवाल। देखो अगर आप रीजनिंग वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें पासा पढ़े होंगे, पासा में जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि पासे की स्थिति क्या है, आप बस ये बता दो 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, बताया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि पहले से फिक्स है, स्टैंडर्ड है वो, तो स्टैंडर्ड है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 4 ही होगा, है 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 ही होगा, ऐसे ही होता जाएगा, अपोजिट सब का सहयोग 7 होता है। तो ऐसे ही जब सवाल स्टैंडर्ड होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हाँ, जब सवाल में पेच लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके देखे जाते हैं कि क्या किया जाए कि ये बन जाए, क्या किया जाए वो बन जाए, तब सवाल को और समझा जाता। तो पहला सवाल हमने आपको यहाँ करके दिखा दिया, अब और दूसरा सवाल देखते हैं चुनाव पर दूसरे सवाल से। अब हम लेवल 1 पर जाएंगे और देखा जाए लेवल 1 पर कैसा सवाल बना हुआ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, लोगों ने मतदान नहीं किया। अब देखो ऐसे ही पेच लगाए जाएंगे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा जीतने वाला सूची मत क्या होता है, टोटल जो मतदाता सूची में सारे मत होते हैं, तो मतदाता सूची का हुआ है, जीतने वाला सूची मतों का 48% पाया, 48% पाया और 1600 मतों से जीत गया। कुल सूची मतों की संख्या पूछा गया,
सवाल को एक बार फिर से समझ जाइए। सवाल यह है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा जीतने वाला सूची मतों का 48% पाया और 1600 मतों से जीत गया, कुल सूची मतों की संख्या बताओ। आओ समझा जाए, इसको मैं लेवल वन क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझ है। यहाँ पर मान लिया जाए, हमने मान लिया कुल मत रहा होगा 100 या कुल मत रहा होगा। अब इसमें से आप खुद सोचे जरा कि जो जीतने वाला था वो 48% पाया, अगर जीतने वाला 48% पाएगा तो सोचते हो क्या 52% पाएगा हारने वाला, और 52% पा के हारेगा, यही इतना समझना है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, अर्थात मतदान केवल 90x लोगों ने किया, 100x टोटल थे, लेकिन 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया। अब टोटल वोट तो भैया 90x, ठीक, लेकिन जीतने वाला तो सूची में तो 48% पाया, सूची मत तो 100x होता है। अब इसका 48% 48x पाया होगा, लेकिन जीतने वाला 48x पा गया और लेकिन वोट तो कुल 90x ही है, तो हारने वाला क्या पाया होगा। अब 90 में से 48 घटाया जाएगा, घटाओ 10 में से 8 घटाओ 2 और 8 में से 4 घटाओ 4, यानी हारने वाला 42x पाया होगा। बताओ कितना पाया होगा, 42x। अब देखो देखो 16 की जगह मुझको एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा कि 16 नहीं लिखना चाहिए था आपको, यहाँ पर लिखना चाहिए 18। देखो 1800 मतों से जीत गया। अब क्या हुआ, इन दोनों के अंतर से हार जीत होगी और वो कितनी है, 1800 है। तो बताओ 48 में से 42 घटाओ जरा, 8 में से 2 गया 6x, 6x की वैल्यू हो गई 1800। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 300। और अगर x की वैल्यू 300 हम यहाँ रख देंगे 100x जगह पे, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 300 और फिर 00, यानी कोई 30,000 उत्तर यहाँ भी आ गया। फिर से देख लो क्या बदलाव करना पड़ा था, ये जो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला था उसको मैंने घटा दिया और उसके बाद तब मैंने घटाया और हमारा उत्तर आराम से बना। तो मेरे ख्याल से लेवल वन का सवाल आपको समझ में आया, आओ लेवल टू देखा जाए। एक एक लेवल हम बढ़ाते जाएंगे और आप उस पर को समझ जाएंगे, मजा आएगा। लिखिए अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। बताओ डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया, है ना। जीतने वाला वैध मतों का 54% पाया और 1620 मतों से जीत गया, 1620 मतों से जीत गया, कुल सूची मतों की संख्या बताओ। सवाल खुद ध्यान से देख लो आप, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया, जीतने वाला वैध मतों का 54% पाया और 1620 मतों से जीत गया, कुल सूची मतों की संख्या बताइए। आइए देखा जाए, हम शुरू करेंगे, मान लो कुल सूची मत रहे होंगे 100 या, अब इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया होगा तो कितने लोगों ने मतदान किया होगा, 90x, और ये 90x थे, इसका भी 10% लोग अवैध हो गया वोट, तो 90 का 10% 9 होता, 9x खराब हो गया होगा, तो कुल 81x बचा होगा, सही वोट, वैध वोट। अब बताओ 81x वैध वोट है, और इस 81x का 54% एक आदमी पाया, ध्यान रहे 81x का कुछ बच्चे गलती से 81 में से 54 घटा देते और कहते हैं 27% बचा होगा दूसरे का,
ऐसे बहुत लोगों ने गलती किया है, आप नहीं करेंगे, क्योंकि 81 154% 54 नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, केवल 100 ही एक संख्या है जिसका 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, और 5% 5 होता है, और किसी भी संख्या का 10% 10 नहीं होता, केवल 100 का ही होता है। इसलिए 81 का 54% निकालेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत परेशान होंगे, दसवलों में संख्या आएगी तो क्या करें, मन में सोचिए, अगर एक आदमी 81 का 54% पाया होगा तो दूसरा आदमी 21 का 46% पाया होगा, 81 का, और एक आदमी 54% पाया होगा, एक आदमी 46% पाया होगा, दोनों के बीच में 8% का अंतर आया होगा, यानी कि जो हार जीत का फैसला हो रहा है वो 81x के 8% से हो रहा है। बस हमारा उत्तर यहीं से बन जाएगा, 81x का 8% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1620 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, 1620 गुणा 100 अपान 81 गुणा 8, यही काट दीजिए आपका उत्तर बन जाएगा। 81 से आपको काटेंगे दो बार में, और 4 5 20 4 2 8 और 2 से इसको काट देंगे तो 50, यानी x की वैल्यू आ गई 250। अगर x की वैल्यू 250 आ गई तो हम अगर इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे 100x यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25,000। ये आपके कुल मतों की संख्या आ जाएगी, खूब अच्छे से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वाला सवाल है ये, आसान नहीं होता है, जब इन सवालों के ऊपर आप काम करेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि किस लेवल पर काम हो रहा, ठीक है। इस सवाल ध्यान से देख लीजिए, ये था लेवल 2, अब एक सवाल और होगा लेवल 4-3 वाला, वो सवाल भी देख लेंगे, उसके बाद चुनाव के सारे सवाल आपके डेफिनेट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आओ देखते अगला प्रश्न आपका चुनाव पर आधारित, देखा जाए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 60 मत, ध्यान से देखिएगा, परसेंट नहीं लिखा है, 60 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला सूची मतों का 47% पाया और 308 मतों से विजयी हुआ 308 मतों से विजयी हुआ, सूची मतों की संख्या बताओ। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल ठीक ठाक है, लेवल 3 है, और इसी के बाद चुनाव का काम खत्म हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 60 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला सूची मतों का 47% पाया और 308 मतों से विजयी हुआ, तो सूची मतों की संख्या बताइए। देखो सवाल शुरू करते हैं, मान लीजिए 100x वोट रहा होगा, उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 90x% लोगों ने मतदान किया। अब 90x ने मतदान किया जिसमें से 60 मत अवैध घोषित हो गए, अब जो 60 मत अवैध घोषित हुए तो सही वोट कितने बचे होंगे, 90x-60, यही सही वोट बचे। अब जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो सूची मतों का 47% पाया, सूची मत कितना है 100x, अब बताओ अगर जीतने वाला 47% पा ही गया है, 47x पाया होगा, लेकिन हारने वाला क्या पाया होगा, वोट तो सही चाहिए ही है, अब मुझे 90x-60 में से 47x घटाना पड़ेगा तो मेरा बचेगा कितना, बचेगा 43x-60, ये पाया होगा हारने वाले, अब इन्हीं दोनों के अंतर के बराबर हार जीत हुआ होगा और वह है कितना, 308। अब क्या हुआ, इसको जब हम घटाते हैं तो ये बनेगा 47x-43x+60 बराबर 308। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 4x और बराबर, इस 60 में उधर ले जाता हूँ तो कम हो जाएगा 8,
10 में 4 गया, 6 गया 4, 248 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 4 छके 24, 4 दूना 8, x की वैल्यू आ जाएगी 62। अगर x की वैल्यू 62 आ गई तो कुल सूची मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6200 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 6200 हो जाएगी। तो ये है आपका पूरा सवाल, आपने देखा। अब अगर एक तरफ से इनको आप देख पाए, हमने चुनाव सवाल यह किया था, यहां से ये रहा, ये नहीं देख, चुनाव पढ़ाई पर ये पहले प्रकार का सवाल था, ये देखिए आपका ये दूसरे प्रकार का सवाल था, ऐसे भी आपका ये तीसरे प्रकार का सवाल था, और ऐसे ही आपका ये चौथे प्रकार का सवाल था। और ये सवाल अगर आपके तैयार हो गए तो चुनाव से संबंधित आपके सारे सवाल सही चले जाएंगे। अभी परसेंटेज में और क्या क्या बचा हुआ है मैं एक बार आपको याद दिलाता रहूं। अभी हमारे पास वेन डायग्राम के सवाल बचे हैं, अभी हमारे पास मिश्रण के सवाल बचे हुए हैं, अभी हमारे पास अनुपात के सवाल बचे हुए हैं। तो इस तरह के सवाल अभी बने हैं, और इसके अलावा मिसलेनियस बचे हैं। मिसलेनियस माने विविध होता है, उस तरह सवाल बचे हुए हैं, उसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए।